हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल के वीडियोस ज़रूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल राउंड वन के बाद आगे क्या होने वाला है, मतलब ये एडमिशन प्रोसेस आगे किस तरह से बढ़ने वाला है, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनके लिए क्या रहेगा, जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो लोग क्या करेंगे, स्पेशल राउंड टू होगा या FCFS ये राउंड होगा या और भी क्या पॉसिबिलिटीज़ है, या साथ ही साथ कॉलेज कब स्टार्ट होगा, इन सभी सवालों के आपको यहाँ पे जवाब मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए। तो गाइस चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनके लिए क्या करने का है। तो गाइस देखिए, जिन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको सिंपली अपना 8 तारीख तक का टाइम दिया गया है, उसके बीच में अपना एडमिशन का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दीजिए, कॉलेज से कॉन्टैक्ट करिए या कॉलेज आपसे कॉन्टैक्ट कर देगा। ऑनलाइन एडमिशन का नॉर्मली प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट कर दीजिए, फीस वगैरह जो भी रहेगा वो भर के अपना एडमिशन कंफर्म कर दीजिए। अभी यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग को जो कॉलेज अलोकेट हुआ है उसमें हम लोग को एडमिशन नहीं लेने हैं तो क्या करें। तो गाइस मेरा यहाँ पे एक सजेशन रहेगा कि आप लोग को जो भी कॉलेजेस मिले हैं वहाँ पर एडमिशन अभी ले लीजिए, क्योंकि अभी इसके बाद एक आध राउंड और हो सकता है तो ऑब्वियसली आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल जहाँ पे भी एडमिशन मिल रहा है वहाँ पे लीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ आपको डोनेशन वगैरह भरना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसके लिए जिन लोग को मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो एडमिशन का प्रोसेस कम्प्लीट कर दीजिए। अभी जिन लोग को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है उनके लिए क्या, तो देखिए गाइस और एक राउंड हो सकता है। देखिए इसका एग्जैक्टली टाइम टेबल तो नहीं आया है लेकिन ये राउंड हो सकता है, इसका पॉसिबिलिटीज़ इसके वजह से बताया जा रहा है क्योंकि ATKT का रिजल्ट जस्ट डिक्लेयर हो गया है। अभी जो ATKT के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी एडमिशन का प्रोसेस, मैं पहले टाइम से ही कहते आ रहा हूँ, उनका एडमिशन प्रोसेस के लिए एक सेपरेट राउंड रखने वाले हैं ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। और जिन बच्चों का एडमिशन अभी भी बाकी है उनके लिए नेक्स्ट राउंड वो रख सकते हैं, दैट इज़ राउंड नंबर 5। वो स्पेशल राउंड नंबर 2 भी रह सकता है या FCFS मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा राउंड भी रह सकता है। अभी ये एग्जैक्टली कैसा रहेगा, ये क्या है, ये शायद आपको 8 तारीख को या 7 तारीख को पता चल जाएगा और ये राउंड शायद 10 तारीख से चालू हो सकता है, क्योंकि 8 तारीख तो का आपका एडमिशन का प्रोसेस है, 9-10 तारीख से ये राउंड नंबर 2 स्पेशल राउंड 2 बोलिए या FCFS जैसा राउंड चालू हो सकता है। इसका पॉसिबिलिटीज़ गाइस ज़्यादा है लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते कि ये राउंड होगा या नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा है तो स्पेशल राउंड 2 आपका हो जाएगा। तो उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग का और एक सवाल है कि ये स्पेशल राउंड 2 एग्जैक्टली कब स्टार्ट होगा। तो गाइस देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये राउंड अपना, ये राउंड नंबर 1 जो स्पेशल राउंड नंबर 1 है, इसका एडमिशन का प्रोसेस 8 तारीख तक का आपका टाइम दिया गया है, ये होने के बाद ही स्पेशल राउंड नंबर 2 चालू होगा। ओके, तो इस तरह से ये राउंड रहेगा। देन उसके बाद बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे हमें कमेंट आ रहे हैं कि कॉलेजेस कब से स्टार्ट हो गए। तो मोस्ट प्रॉब्ली गाइस मेरा यहाँ पे ये कहना है कि आपके जो कॉलेजेस है स्पेशल राउंड 1 फिनिश होते होते ही चालू हो जाएंगे, मतलब 10-12 तारीख से आपके जो राउंड होने के बाद 10-12 सितंबर से आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो सकते हैं। अभी गाइस यहाँ पे ये कंफर्म डेट नहीं है, जस्ट मेरा एक प्रिडिक्शन है कि ये चालू नॉर्मली क्या होता है, 3 राउंड या स्पेशल राउंड 1 होने के बाद कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्पेशल राउंड 1 आपका 8 तारीख को फिनिश हो रहा है, तो उसके बाद गाइस शायद यहाँ पे आपके जो भी कॉलेजेस है ये चालू हो सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो रही है कि आपका जो कॉलेज है ये सेकंड वीक ऑफ सितंबर चालू हो सकता है। देन बात कर लेते हैं ATKT के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन का प्रोसेस किस तरह से होगा या उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो गाइस मैंने ऊपर भी थोड़ी देर पहले बताया कि आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, इसके लिए एक स्पेशल राउंड हो सकता है, दैट इज़ राउंड नंबर 2। ये सबके लिए रह सकता है, ATKT के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और जिन लोग का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है उन लोग के लिए भी ये राउंड रह सकता है। वो अभी कैसा रहेगा, स्पेशल राउंड रहेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा, ये सब चीज़ें आपको आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगी। तब तक चैनल पे बनी रहिए, चैनल के वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसके अलावा गाइस और भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए और गाइस वीडियो प्रॉपरली देखा करिए, क्योंकि आपके जो भी डाउट्स मुझे आते हैं कमेंट में उसके आंसर मैं अपने वीडियो थ्रू देता हूँ। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।